दूसरे की बेटी के साथ गलत हो रहा है, तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, इसलिए बोलना पड़ेगा। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी है और शायद इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस की भी याद आ जाए, क्योंकि इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा उस केस से मिलती जुलती हुई है। सच खोजने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें तो कुछ गलत है नहीं। भूमि पेडनेकर इज प्लेइंग द लीड इन द फिल्म और क्योंकि शी इज प्लेइंग अ जर्नलिस्ट कैरेक्टर, मुझे लगता है कि इस तरह के रोल्स उन पर ज्यादा सूट करते हैं। क्या कौन कह रहा है कि थैंक यू फॉर कमिंग जैसी फिल्म्स उन पर सूट नहीं करती? लॉर्ड जस्ट किडिंग। इससे क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि भूमि पेडनेकर पर इस तरह के रोल ज्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे कमेंट करके बताएं। और मुझे कैसा लगा भक्षक का ये ट्रेलर, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। हाय, मैं हूं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं अनकट। पूरा ताकत झोंकना है भास्कर जी, उन बच्चियों को इंसाफ दिलाना। भूमि पेडनेकर स्टारर भक्षक इज अ क्राइम ड्रामा जिसमें वो प्ले कर रही हैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वैशाली सिंह का कैरेक्टर, जिसे कहीं से एक टिप ऑफ मिलता है कि एक बालिका गृह में लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है और उसके अंदर कई बड़े बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस शामिल हैं। वैशाली की इस लड़कियों के लिए जस्टिस की लड़ाई में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, यही फिल्म की कहानी है, किस तरीके से वो इनको इंसाफ दिला पाती है। ट्रेलर के लास्ट में एक डायलॉग है जिसमें एक सवाल पूछा जाता है जो सोसाइटी की डार्क साइड को टच करता है, दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हो क्या आप? क्या अब भी आप अपनी गिनती इंसानों में करते हैं? भूमि पेडनेकर के अलावा फिल्म में आपको संजय मिश्रा और अपने CID के अभिजीत AKA आदित्य श्रीवास्तव एंड सई भी आपको नजर आएंगे और ट्रेलर में सभी का काम देखो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इस फिल्म की कहानी हमारी सोसाइटी के कुछ हार्श रियलिटीज को शो करती है एंड आई एम हैप्पी कि इस तरह की फिल्में बनती हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये लोगों तक पहुंचती हैं और लोगों को इन सब के बारे में पता चलता है एंड इट हेल्प्स टू प्रमोट द कन्वर्सेशन दैट ब्रिंग्स द चेंज। रिपोर्टर है इसीलिए चुप बैठे हैं, नहीं तो गला काट कर रेलवे की पटरी में डाल दिए होते अब तक। एंड भूमि पेडनेकर की फिल्म चॉइसेस ना शुरू से ही बढ़िया रही हैं, एटलीस्ट जिस तरह के रोल्स वो चूज करती हैं उनके कैरेक्टर काफी दमदार तो होते हैं। इससे पहले भीड़ में भी मुझे उनका काम बहुत ज्यादा पसंद आया था और इस फिल्म से भी मुझे काफी उम्मीदें लग रही हैं। देखो और साथ में है संजय मिश्रा एंड आदित्य श्रीवास्तव जैसे बढ़िया एक्टर्स, तो देखो कास्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर पुलकित ने और ये फिल्म रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस के अंडर बन रही है और गौरी खान इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। ये फिल्म रिलीज होगी 9th February ऑन नेटफ्लिक्स। कास्ट अच्छी है, फिल्म का टॉपिक भी मुझे काफी अच्छा लगा एंड आई होप कि फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छे से लिखा गया हो और ये फिल्म लोगों पर इम्पैक्ट छोड़ने का काम करे। मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा और आपको, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए। Do not forget to subscribe our channel. You can also follow me on Instagram. Mera Instagram handle hai WhatsApp Sakshi. Please like and share this video. Main hu aapke saath Sakshi Chauhan aur aap dekh rahe the Uncut.